अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक। तो भाई यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज ये थोड़ा व्लॉग नहीं बना रहा मैं, व्लॉग भी अपना अभी प्रोसेस में चल रहा है क्योंकि एक तो लॉकडाउन लगा पड़ा, अभी बना जा भी नहीं सकता, तो अभी व्लॉग थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है। उसके बीच मैंने सोचा ये वीडियो भी आज बना देते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो हम अपनी जो वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी यूट्यूब पर हमको ये काम आती हैं, वो कभी अभी ऐसी बातों में वो बोलते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो समझे स्टोरी में, तो खैर वो तब नहीं लगती जब तो मेरे ख्याल में वो मोनेटाइज नहीं होता चैनल। तो उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो जो शॉर्ट वीडियो होता है यूट्यूब का, वहाँ पे चला सकते हैं। उसके सिंपली इजी ट्रिक है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने अभी जिस फोन से शूट करा, अभी मैंने उसकी अभी उसकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, तो उस पर आपको सारा मैं डिटेल में समझाऊँगा। तो अभी आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो भाई अभी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो अभी आपको सिर्फ करना है वीडियो एक सिलेक्ट करनी है, वो उसका वीडियो का जो रेशियो होना चाहिए वो 9:16 का होना चाहिए। 9:16 मतलब जैसे आप सेल्फी लेते हैं या सेल्फी लेते हैं, जैसे आपका फ़ोन स्ट्रेट होता है, जैसे मिरर सेल्फी में फ़ोन स्ट्रेट होता है ना, वैसे आपको अपना फ़ोन स्ट्रेट रखना है। 9:16 उसका रेशियो रखना है आपको। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड हुई भी है, वो वीडियो में भी आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। अब मेरे पास कौन सी ये वीडियो पड़ी हुई है, कहाँ गई ये रही वीडियो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा अपनी यूट्यूब की ऐप पे जाना है, यूट्यूब ओपन करके। यूट्यूब ओपन हो गया आपका, जैसे मेरा अकाउंट अभी चल रहा है इसमें। आपको करना कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड वीडियो पे, प्लस की साइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपलोड अ वीडियो, कर देना है। उसके बाद आपने वही वीडियो सिलेक्ट करनी है जो आपने 9:16 रेशियो पे बनाई है, वो मैंने सिलेक्ट कर ली। अब सिंपली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा आपने यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करना है। जैसे मैं इस पर ऐड कर देता हूँ लॉकडाउन इन कासमाबाद, ठीक है। सो गाइस आपने ये अपना टाइटल इसका सिलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालूँगा अभी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, अपलोड कर देनी है। अब अपलोड होने के बाद अपने अपने चैनल पे जाना है, योर चैनल सर्च करना है, क्लिक करना है मैनेज वीडियोस पे जाके। अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है मेरी, अभी जब तक अपलोड हो जाइए तो उसके बाद मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो भाई वीडियो अभी अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई वीडियो की, अभी अपलोड हो जाए। आप देखिएगा कि मैं कैसे इसको अपने शॉर्ट बीटा में डालता हूँ। ये वाली वीडियो भी है ईद का चांद मुबारक, ये भी मैंने शॉर्ट बीटा में डाली। अब ये आ गए आपकी 9:16 वाली वीडियो अपलोड हो गई। अब इसको आपने करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा अपने चैनल के बाहर जाना है। ये देखे शॉर्ट बीटा पे आपकी वीडियो आ गई, ये देखे, ये मैं अभी वीडियो को चला रहा हूँ, अभी लोड होगी, वीडियो लोड हो गई, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो यही है इसका सिंपल तरीका। तो भाई अभी हमने देखा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी, तो ये इसका एक सिंपल तरीका है कि आप कैसे अपनी वीडियो को शॉर्ट बीटा पे ला सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, वीडियो जो अपनी रिकॉर्ड करनी है वो 9:16 का रेशियो है। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं होना, मैं आपको दिखा, अभी मैं मोबाइल फोन लेके आता हूँ। तो भाई अभी मैं दूसरा मोबाइल को लेके आ चुका हूँ। तो इसका 9:16 का जो सीन है ना, वो मैं आपको बताऊँ। तो कैमरा ओपन करना है, कैमरा में जाके आपको ऐसे स्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ऐसे ही स्ट्रेट, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है इसकी। स्ट्रेट वीडियो आप ऐसे बैक कैमरा से भी कर सकते हैं इसकी, जिसकी कैमरा थोड़ी गंदी लगी पड़ी है। बैक कैमरा से आपको इस रेशियो में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस रेशियो में नहीं करिएगा, इस जो 16:9 एस पे नहीं, 9:16 के रेशियो पे रिकॉर्ड करेगा, तो आपकी वीडियो जो अपलोड करेंगे वो शॉर्ट बीटा में चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद रखे, और इतना कुछ कर रहा है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दो, सारे पेजेस के और फेसबुक पेज और इंस्टा के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।